वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक हीरो सेक्शन उसके अंदर हमारे पास ये एक है हीरो सेक्शन उसका जो यू है वो कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे एक लॉक है यहाँ पे मेन्यूज़ है और यहाँ पे एक हेम बर्गर है यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया आइकन वगैरह है और यहाँ पे एक शेयर का आइकन है और उसके बाद यहाँ पे ये यह एक हेडिंग है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक इमेज भी आ रही है और यहाँ राइट साइड के अंदर जो है वो हमारे पास दो बटन और दो कार्ड्स है तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही बनाएंगे तो उसके लिए हम चलते हैं अपने वी कोड में और वी कोड के अंदर मैं अगर आपको इसका फोल्डर स्ट्रक्चर जो बताओ वो उसके अंदर हमारे पास इंडेक्स डॉट एस एम और स्टार डॉट सी एस एस तो है इसके अलावा इमेज़ है और यहाँ पर एक न्यू टेक्स डॉक्स के अंदर हमारे पास लिंक वगैरह है जो आइकन वगैरह और बॉक्स आइकन है और उसके बाद कुछ जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे जो फॉर्स वगैरह और यहाँ पे कुछ आइकन जो मैंने पहले ही रखे हुए तो उसके बाद तीन इमेजेस हैं जो ये यहाँ पे इमेज हैं ये एक इमेज है और ये दो इमेजेस हैं तो स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने इंडेक्स तो, इंडक्स डॉट तो एस एल के अंदर और यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना दूँगा क्योंकि वो एक टोटल कंटेनर के अंदर ही डालेंगे हम ठीक है कंटेनर है और कंटेनर के बाद ये और टोटल कंटेंट है और कंटेंट के अंदर हमारे पास है ये जो है हमारे पास ये एक टोटल कंटेनर है इसके अंदर ये टोटल कंटेंट है और ये हमारे लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है इसके लिए मैं दो डेब बना दूंगा अपनी जो होगी हमारी जो लेफ्ट साइड की और राइट साइड की ठीक है यहाँ पे लेफ्ट साइड है और ये यहाँ पे जो है वो होगी हमारी जो है राइट साइड है ठीक है ये हमारी दो डेब है और इसके अंदर जो है यहाँ ये जो आइकन वगैरह यूज़ किए इसको मैं लादे लादा डिब में डालूंगा तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो होगा आइकन फर्स्ट यानी ये आइकन वन है और आइकन वन के अंदर जो है हमारे पास ये लॉक का आइकन है और ये लॉक का आइकन जो है इधर से मैं उठा दूँगा यहाँ पे और इसके बाद जो है डॉट आइकन के अंदर आइकन टू है ये यह यहाँ यह से डॉट आइकन आइकन टू है यहाँ पे कितने हैं तीन आइकन यहाँ से यहाँ से उठा दूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा उसके बाद जो है यहाँ पे आइकन थ्री होगा ठीक है डॉट आइकन थ्री और इसके अंदर हमारे पास एक आइकन होगा शेयर का ठीक है यह होगी हमारी वो टोटल लेफ्ट साइड थी यानी यह एक आ गई ये में हम डालेंगे बाद में अपने सी के थ्रू डालेंगे इसको डायरेक्ट कॉन्स्टेबल के अंदर नहीं डालेंगे ये भी लॉक किया आ गया उसके बाद ये सोशल मीडिया आइकन और ये वाला हमारा शेयर का आइकन ये आ गया तो अपनी स्टैंडर्ड सीएसएस के अंदर चलेंगे यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो है ये हमारा जो यूनिवर्सल ऑपरेटर मार्जिन ज़ीरो पैडिंग ज़ीरो और उसके बाद इसका जो बॉक्स साइजिंग वो होगा बॉर्डर वॉक्स ये हमारे ये पास आइकर्स वगैरह सारे आ गए ठीक है इसको मैंने अपने लाइव सॉफ्टवेयर में ओपन किया है और इसके बाद जो हमारी जो बॉडी है वो आएंगे इसके अंदर जो बैकग्राउंड होगा वो होगा हमारा लीनियर <coughs> ग्रेडियंट 180 डिग्री के ऊपर जो होगा वो वाइट होगा और उसके बाद ग्रे होगा ठीक है और इसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो 100 वी होगी और इसके बाद जो है वो होगा हमारे पास डिस्प्ले जो होगा इसका वो मैं ग्रीन करूँगा और प्लेस आइटम सेंटर <coughs> ये देखो ये आ गया ये ना वाइट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसको थोड़ा सा इस तरफ देख गया हूँ मैं हाँ अब ठीक लग रहा है और इसके बाद जो है हम इसको मैं ये फाइल बंद करूँ यहाँ से उठाऊँगा कंटेनर को इसका रेफरेंस लेंगे इधर और ये आ गया कंटेनर हमारा इसकी जो मेन है वो होगी 800 पिक्सल और इसकी जो हाइट है वो होगी 500 पिक्सल और उसके इस इसका जो बैकग्राउंड है वो होगा हमारे पास वाइट पर वाइट नहीं ब्लैक ये देखो ये हमारा बन गया जो कंटेनर था और उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो भी ट्वेंटी पिक्सल कर दूँगा थोड़ा ये शॉप सा हो जाएगा और उसके बाद जो है इसका जो बॉर्डर होगा वो होगा हमारे पास फाइव पिक्सल सॉलिड वाइट ये देखो ये बॉर्डर आ गया बाहर की तरफ तो नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है हमारे पास ये हमारा कंटेंट है इसको उठाएंगे कंटेनर के अंदर जो हमारे पास ये कंटेंट है इसका जो डिस्प्ले है उसको फ़्लैक्स कर दूंगा ये डिस्प्ले फ़्लैक्स क्यों ये क्योंकि ये कंटेनर है इसके अंदर मेरे पास दो लेफ्ट और राइट साइड है इन दोनों को साइड बाई साइड करने के लिए मैंने ये देखो ये एक राइट साइड किया वो ऊपर लेफ्ट साइड किया और ये इन दोनों को रैप किया हुआ हमने अपने इस कंटेंट के अंदर इसलिए इसको जो है डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया तो ये साइड बाई साइड आ जाएगा अभी आया नहीं ये आ जाएगा इसको यहीं से मैं डिस्प्ले फ़्लैक्स अभी यहाँ से मैं कमेंट कर दूंगा बाद में यहाँ से उठा लेंगे ठीक है तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा ये लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड को यहाँ से उठाया और यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड इमेज जो है उसका जो यू आर एल है उसको यहाँ से आगे हमारी ये पोर्ट्रेट इमेज और इस पर इसकी जो बैकग्राउंड पोजीशन है वो सेंटर बैकग्राउंड साइज़ जो है उसको कंटेन नहीं कवर करेंगे और उसके बाद इस बैकग्राउंड रिपीट जो है वो दो रिपीट और इसकी जो टोटल वेथ है वो फोर्टी परसेंट कर देंगे ये जो लेफ़्ट साइड है इसको फोर्टी परसेंट कर देंगे और जो राइट साइड है उसको सिक्सटी परसेंट कर देंगे ठीक है और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको ग्रे करेगी ये यह देखो यहाँ पर आ गए ना ये इमेज ये देखो अभी इसको हाइट नहीं दी अभी आइड दूंगा तो ये टोटल तो आ जाएगी इसके अंदर हाइट होगी इसकी पाँच सौ पिक्सल ये जो हमारा लेफ्ट साइड है ये देखो ये आगे ना निकल यहाँ से ये ऊपर इसलिए आई है क्योंकि एक तो इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव हो गई और तो मार्जिन जो है इन लाइन स्टार्ट यानी मार्जिन लेफ्ट जो है हमारे पास है फिफ्टी पिक्स है ये देख ये, दे। ये इमेज अगर मैं ना अगर आपको ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हटाऊँ तो ये इमेज बिल्कुल इसके अंदर ये देखो ये जाकर ना फिट बैठी है ये जो बॉर्डर है ना ये बॉर्डर की वजह से ये बाहर की तरफ निकली हुई देख रही थी ठीक यहाँ से और अगर मैं ये हमारा कंटेनर है और एक मिनट यहाँ पे इसका थोड़ा ओवरफ्लो उसको हिडन करूँगा तो क्या ये जाएगी हाँ ये चली गई है उसके अंदर ठीक है तो ये हमारे यहाँ पे ये आइकन है ये वाले ये आइकन अभी देख नहीं रही ये आइकन है तो इनको थोड़ा तो स्टाइल करेंगे क्योंकि ये जो हमारी इमेज थी वो तो आ गई है तो ये आइकन्स वगैरह को किसके डिव के अंदर डाला था हमने आइकन वन टू थ्री इस डिव के अंदर डाला लेकिन इसको रैप हमने किसी भी डिव के अंदर नहीं किया तो सबसे पहले तो हम इसको हटाएंगे यहाँ से यहाँ पे एक आइकन्स के नाम से बनाएंगे यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे आइकन स्पेलिंग ठीक करेंगे आइकन्स ठीक है यहाँ से उठाया आइकन यहाँ पे लगाया और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है उसको एक्सिक्यूट किया क्योंकि ऊपर हमने ये देखो ये पोजीशन थी ये रिलेटिव की है तो अब ये इस डिप के हिसाब से मूव करवाएंगे ठीक है लेफ्ट माइनस टेन परसेंट और इसका जो डिस्प्ले है उसको करेंगे फ्लैक्स और अलाइन आइटम स्टार्ट बट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और इसका रिफ्लैक्स डायरेक्शन है वो कॉलम और इसकी जो हाइट है वो होगी पाँच सौ पिक्स ये यहाँ पे ये देखो ये यूट्यूब का एक मिल जा रहा है और यहाँ पे एक लॉक का होगा ऊपर तो अभी उसका कलर चेंज नहीं किया अभी कलर चेंज करेंगे साथ साथ में तो वो दिखते रहेंगे ठीक इनका जो हमारे पास डॉट आइकन आइकन है आइकन कलर डॉट आइकन वन इसका जो मार्जिन इसके ना पहले एक मिनट यहाँ पे मैं कलर यहाँ पर बाकी ना दिखते रहें कि ये दिख कैसे रहें ये देखो ये है हमारे पास ये एक आइकन है ये आइकन है और ये आइकन है ठीक है अब इनके हिसाब से इसको हमारा जो आइकन वन है उसका जो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट यानी हमारा मार्जिन टॉप है वो होगा थर्टी पिक्सल यानी ऊपर से थोड़ा आ जाएगा वो नीचे और उसके बाद जो है हमारा इसी तरह जो है डॉट आइकन और इसके अंदर डॉट आइकन थ्री है उसका जो होगा मार्जिन ब्लॉक एंड ठीक है मार्जिन ब्लॉक एंड जो होगा वो भी होगा थर्टी पिक्सल ठीक नहीं तो ये देखो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे आइगन थ्री के आई थिंक सो के स्पेलिंग गलत हो गए यहाँ पे ये ये, ये वाला रहा है ठीक है मारज ये आ गया हमारे पास साइकिल ठीक है उसके बाद आप बच्चा है बीच वाला यानी जो हमारा आइकन टू है पहले ना ये जो हमारे आइकन टू है उसको हाँ आइकन टू है तो आइकन टू के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले इसका जो डिस्प्ले है उसको फ्लैक्स करूँगा तो ये वाला है इसको इसका जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको कॉलम करेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम तो ये भी कॉलम हुआ नहीं हो जाएगा कोलोन वक्त और उसके बाद इसका जो अलाइन आइटम है वो सेंटर जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ठीक ये जो आइकन टू है आइकन वन क्योंकि गलत रैप तो नहीं करती जिसके से यह हो नहीं ली आइकन वन यहाँ पे ठीक है ये रहा हमारा आइकन वन ओ ये हम इस ये कर रहे थे हमें इसको ना इसके अंदर से ढूंढ रहे थे इसके अंदर कुछ है ही नहीं ये हो गया हमारा आइकन और यहाँ पे भी यही सेम आइकन इस वजह से नहीं हो रहा ये अभी आ गए ये देखो सारे आ गए हैं फिर वह इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम ना आइकन वन के अंदर इसको ढूंढ रहे थे यहाँ पे हम क्लासेस जो है थे वो गलत लगा रहे थे उसके वजह से नहीं आ रहा था वो ठीक तो इनका भी जो कलर है वो चेंज करेंगे ये जो लॉक का और यहाँ पे जो शेयर का, का जो आइकन था उसका आइकन के अंदर हमारे पास डॉट आइकन वन का जो आय है उसके बाद जो हमारे पास आइकन थ्री का जो आय है उसका जो कलर है वो हमारे पास है थ्री सेवन डबल ज़ीरो डबल एफ ठीक है ये ब्लू सा है तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो है हमारे पास ट्वेंटी पिक्स वो देखो उन दोनों का कलर चेंज हो गए तो उसके बाद जो है जो हमारे जो कलर ये वाला है इसको यहाँ से उठाऊँगा कि यहाँ पे और इसके अंदर के जो आई वगैरह है यानी आइकन्स है अगर मैं उनका जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे सा है तो इसकी जो हाइट है वो थर्टी पिक्सल विथ थर्टी पिक्सल बॉर्डर रेडियस उसका जो पीछे के जो दायरे वगैरह थे ना यानी जो बस सर्कल थे वो बना रहे हो आगे ठीक है और इसका जो कलर है वो ब्लैक और इसका जो फॉर्ड साइज वो ट्वेंटी पिक्सल इसकी जो पैडिंग है वो होगी फाइव पिक्सल हमारे पास ये देखो ये आगे सेंटर में और इनका जो मार्जिन जो होगा हमारे पास ब्लॉक स्टार्ट यानी मार्जिन टॉप होगा वो होगा हमारे पास टेन पिक्सल का तो ये देखो ये बन के रेडी हो गया हमारा जो फर्स्ट साइड थी ये वाली यहाँ से ये आगे बन के हमारे पास ये देखो ये देखो आई आइए अभी सिर्फ हमारा जो राइट साइड है वो है तो राइट साइड के अंदर तो सबसे पहले जो है हमारे जो जो, जो अ, मेन्यू लिस्ट है उसको बनाएंगे तो उसके लिए मैं एक डिप बनाऊँगा यहाँ पे डॉट लिस्ट के नाम से और लिस्ट के अंदर हमारे पास होगी हमारी एल आई डॉट आइटम और ये हमारे पास होगी फाइव ठीक है ये हमारी एक डिव बन गई डिव बना लो या एक यू यूर बना लेते हैं और एक ऑनऑर्डर लिस्ट होगी इसके अंदर हमारे पास एक हम है एक अबाउट है और उसके बाद जो है एक हमारे पास ब्लॉग है और तो एक कं टैक्ट है ये चार है और जो पाँच में हैं वो है हमारे पास एक आइकन वो मैं यहाँ से उठाऊंगा ये वो हैमबर्गर का ये नहीं हमारा मेन्यू है वो आइकन है ये पाँचवें की जगह इसको मैं यहाँ पे डालो तो यहाँ पे आया नहीं है अभी आ जाए कहने रहेंगे आया होगा भी तो अभी नहीं क्योंकि उसके कलन वगैरह है वो चेंज होगा नहीं है ये हमारा जो था लेकिन इसके अंदर का जो दूसरा कंटेंट था वो काफ़ी है कंटेंट दिख नहीं रहा चलो कोई बात नहीं कर लेंगे इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट होगी आइटम इसके अंदर हमारा जो मेन्यू लिस्ट है वो बन के रेडी हो गया ठीक तो है तो सी एस एस में देखते हैं इसके जो वेथ थी हमारा जो लेफ्ट साइड है हमने राइट साइड ऊपर के लेफ्ट और राइट अभी दी नहीं है राइट साइड यहाँ पे हो गया हमारा डॉट हमारा जो राइट और उसके बाद इसका जो आई थिंक सो नीचे नहीं गए आ गया यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा हो शायद चलो कोई बात नहीं अभी इसको टारगेट करेंगे जाएंगे का हो गया यही खेल आएंगे लाके ही छोड़ेंगे ऐसे छोड़ेंगे नहीं इसकी जो वेथ होगी वो होगी हमारे पास सिक्सटी परसेंट और इसका जो बैकग्राउंड कलर वो होगा ये और तो इसका पोजिशन रिटेक्ट तो एक मिनट यहाँ पे ऊपर एक मैंने डिस्प्ले एक फ्लैक्स नहीं लगाया था यहाँ पे इसको फ्लैक्स कर वो ये यहाँ पे ये देखो ये आ गया हमारे पास ये हमारे लिंक वगैरह थे पर तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स नहीं कर वो तो ये यहाँ यहाँ से कहीं से उठ के आ रहे थे सर डिस्प्ले जो है फ्लैक्स क्या लेफ्ट राइट एक दूसरे के साइड बाई साइड आ गए तो ये रहे, ठीक है इनका कलर वगैरह अभी चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएंगे और तो उसके बाद जो है हमारा जो राइट साइड के अंदर जो है तो ये लिस्ट है तो वो ये लिस्ट को तो यहाँ पे रखूँगा और इसका जो फोर्ट फैमिली है वो है हमारे पास वो मैं यहाँ से उठाऊंगा ये ये वाली है ये वाली ठीक है ये वाली हमारे पास इसकी जो फ्रंट फैमिली है वो है ये आ गया और उसके बाद यहाँ पे सेंसर है ठीक तो तो है।, तो तो है वो देखो इसका जो चेंज हो गया तो उसके बाद इसका जो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट है वो होगा थर्टी पिक्सल का और उसके बाद इसका जो कलर है वो होगा हमारे पास वी डी बी डी यानी कुछ ग्रे ग्रे सा है ये ये देखो ये कलर आ गया हमारे पास और इसके बाद इसका जो डिस्प्ले है उसको कर दो फ्लैक्स और इसका जो लाइन आइटम्स है उसको ऐड कर दो तो ये एंड में चला जाएगा ठीक है और उसके बाद इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको कर दो स्पेस बिटवीन तो ये बिल्कुल ये देखो चला गया और इसके बाद इसकी जो पैडिंग इन लाइन यानी लेफ्ट राइट से जो है इसकी जो पैडिंग है उसको कर दो पाँच परसेंट तो ये देखो ये बिल्कुल आपको सेंटर में रुक गया ना तो लिस्ट के अंदर हमने एल बनाए थे लिस्ट के अंदर जो है हमने एल बनाए थे उसका जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर दोगे बस वो जो सर्कल से आ रहे थे वो यहाँ से हट गया होगा ये देखो ये बन के रेडी हो गया हमारा जो मेन्यू सेक्शन था वो और उसके अंदर जो है लिस्ट के अंदर एक आई भी था डॉट लिस्ट के अंदर एक हमारा आई भी था लिस्ट के अंदर एक आया था इसका जो कलर है वो ये ब्लू सा है यानी जो हमारा हैम बर्गर था ये वाला ये बन के रेडी हो गए इसका फोर्ट साइज थोड़ा बढ़ाएंगे बहुत छोटा सा है ट्वेंटी पिक्सल हाँ ठीक लग रहा है सारे जो हमारे लॉक वगैरह थे ना ये जो हमने उनको पहले ट्वेंटी पिक्सल दिए इसलिए इसको यहीं से ट्वेंटी पिक्सल देने लिया तो ये वन के रेडी हो गया अभी दूसरा लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि हमारा यहाँ पे जो है तो ये जो था आई थिंक सो इसने चेंज नहीं किया गो, 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 तो, तो हम इसको डेवी भी कर देंगे कोई तो प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हमने इसको ना क्लास से लिया हमने इसको टैक्स से नहीं लिया इसलिए इसको यहाँ पे डेवी कर दी यहाँ पे एक डेम बनाएगी हमारी जो राइट आर है जी एस टी राइट साइड कंटेंट के नाम से यानी राइट साइड के अंदर का जो कंटेंट है वो होगा इसके अंदर सबसे पहले होगा हमारा एच वन उसके अंदर होगा एफ ई देन एक स्पेन होगा उसके अंदर होगा हमारा एन और इस पेन के बाहर होगा हमारा सी आई एन जी ठीक है और इसके बाद एक पी होगा उसके अंदर लॉरम ये लॉरम टेन और उसके बाद जो है हमारे पास अगर मैं आपको पहले का दिखाऊं जो मैं अपना शुरू में दिखाया था यहाँ पे दो बटन थे वो बटन ले के आऊंगा ठीक है तो अगर उन दो बटन्स को पहले पहले ना इनको स्टाइल करने थे उन दो बटन को बाद में करेंगे ठीक ये जो है हमारे पास राइट साइड कंटेंट जो है राइट साइड कंटेंट इसकी जो पोजीशन है वो एप्सिल्यूट होगी उसका जो टेक्स्ट लाइन है वो एंड हो जाएगा ये यहाँ से ये देखो ये एंड में आ गया इधर से और इसका फिलहाल जो कलर है वो वाइट कर रहा हूँ ताकि दिखता रहे ना, तो ये देखो ये एंड में आकर हो गया और इसके बाद इसकी जो पैडिंग इन लाइन है वो होगी तीन पिक्सल तीन पिक्सल नहीं तीन परसेंट होगी यहाँ से तीन परसेंट तो ये थोड़ी पीछे हट जाएगा ठीक है ये तीन परसेंट नहीं ऊपर उसको फाइव परसेंट दी थी तो इसको फाइव परसेंट ही दे, दे देंगे तो साइड बाई साइड खड़ा रहेगा आगे तो इसका जो तो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट है वो होगा सेवेंटी पिक्सल ये देखो ये ऊपर से इसको आगे थोड़ी सी मार्जिन आ गई ब्लॉक स्टार्ट मतलब मार्जिन टॉप और डॉट राइट साइड कंटेंट के अंदर हमारा जो एच वन है वो आएगा और एच वन की जो फोर्ट फैमिली है फैमिली है वो ये नहीं है वो मैं यहाँ अपनी स्टेम एल के अंदर जो यहाँ पे ये वाली है हमारी ये वाली यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक और ये प्लस को हटा दूँगा तो ये चेंज हो जाएगी ये आ गई हमारी जो फोर्ट फैमिली थी इसके अंदर एक्स्ट्रा एक्पेसिंग आ रही है वो स्पेन के अंदर मैंने दी थी ये वाली थोड़ा बीस साथ में चिपक जाएगा वो ये देखो ठीक है और इसका जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि ये ना बिखर जाए थोड़ा सा ये बाहर निकल आया मैं के अंदर लेटर स्पेसिंग फाइव पिक्सल और इसका फोर्थ साइज़ पचास पिक्सल और इसका जो लाइन हाइट पचास पिक्सलबाई हंड्रेड पिक्सल और इसका जो कलर है वो होगा वाइट सी हो गया ना सी तो अभी ये जो है राइट राइट साइड कंटेंट के अंदर एच वन के अंदर हमारा जो स्पेन था और तो स्पेन था तो इसका जो हमारे पास जो टैक्स स्ट्रोक है ना हमारे पास जो है इसका जो टेक्स्ट है देन उसका जो एस टी आर ओ के स्ट्रोक जो है वो है हमारे पास टू पिक्सल आर जी बी यानी हमारे पास टू पिक्सल ब्लू कर दो अगर सिंपल uh, वर्ड्स में दो तो हुआ नहीं होना भी नहीं चाहिए अभी हुआ वो होगा हमारे पास वेब किट देन टैक्स उप वेब किट एनिमेशन नहीं है ये वेब किट के वेब किट देन की इसका जो टेक्स्ट है देन उसका जो एस टी आर ओ के ही स्ट्रोक है वो है उसका कलर ये अब चेंज हो जाए हो जाए ठीक है, है मैं के टू पिक्सल टू पिक्सल करना था क्योंकि ये इस इसका जो पिक्सल तो हमने दिया नहीं वो ये देखो ये ये देखो टू पिक्सल कम है थोड़ा ज़्यादा कर दो फाइव पिक्सल ही कर लो ताकि नहीं कि बस दिख जाए फिर उसको कम कर देंगे ये देखो ये चेंज हो गया इसका स्ट्रोक जो वो फाइव पिक्सल का हो गया अब इसको टोटल को मैं थ्री कर रहा हूँ तो ये देखो और ये आ गया हमारे पास और इसका जो कलर है उसको करेंगे बैकग्राउंड कलर जो था और इसका जो फोर्ट साइज़ है तो उसको पचपन पिक्सल यानी थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये देखो ये आ गया हमारा जो एन था वो बन के रेडी हो गया कि अगर इसको हटा भी दो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वह इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है ये है हमारे पास जो है जो दूसरे ब्राउज़र वगैरह उसके लिए और ये हमारा जो है ये आई थिंक सो कि ये सफारी के लिए है या हमारे पास ये लेकिन ये इससे ना चल जाता है ये सारा ये प्रॉब्लम नहीं है ये देखो अगर ये नहीं भी दिया ना तो ये देखो ये इसके बाद बगैर चल रहा है इसको मैंने कमेंट कर दिया हटाया नहीं है आप बोलो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए ठीक है उसके बाद राइट कंटेंट के अंदर हमने एक पी भी बनाया था और ये पी जो था हमारे पास जिसका जो कलर था ये ये वाला था ठीक और उसके बाद ये बन के रेडी हुआ और राइट साइड कंटेंट इसके बाद हम बटन बना लेंगे अपने तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो मैं एक डेवी बनाऊंगा ठीक है डॉट बी के नाम से बी के नाम से या बी टी दो बटन फेंस करेंगे ठीक है तो उस पर बटन डॉट बी टी एन वन इसके अंदर होगा हमारा स्टार्ट और ये होगा हमारा बी टी एन टू और इसके अंदर हमारा होगा फ्री ट्राई ठीक तो ये देखो ये आ गया हमारे दो बटन अब इनकी स्टाइलिंग कर लेते इनकी स्टाइलिंग के लिए स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर गए यहाँ पे डॉट राइट राइट साइड के, के अंदर जो हमारे डॉट वी टी उनका जो पैडिंग ट्वेंटी पिक्स ये देखो ये आ गई पैडिंग ठीक है और डॉट राइट साइड के अंदर जो हमारे बटन है वो है उनकी जो फोर्ट फैमिली जो ऊपर ऊपर ली थी हमने वही लेंगे यहाँ से पॉपी करेंगे ये यह यहाँ पे डाल दूंगा ये आगे हमारी फोर्थ फैमिली इसका फोर्ट वेट आठ सौ पिक्सल यानी बोल्ड हो जाएगा फोर्ट मेट से और इसका जो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट है यानी जो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट यानी हमारा जो टॉप है यानी मार्जिन टॉप वो है टेन पिक्सल ठीक है हाइट थर्टी फाइव पिक्सल तो इसकी जो वेथ है वो वन ट्वेंटी पिक्सल बारह सौ पिक्सल हो गई और उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है वो नर और इसका इसका जो बॉर्डर है वो नर ये, ये बन गए हमारे जो थे बटन उसके बाद ग्रिटीन इसकी एक आईडी है इसको आईडी डी हुआ इसको क्लास नहीं दोनों को क्लास नहीं में से एक आईडी दे दूंगा से सिंपल राइट साइड उसके डॉट बी टी एन के अंदर हमारे पास बीटीएन टी एन टू आई डी दिए तो हैश यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर जीरो जीरो यानी ब्लैक बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड सॉलिड वाइट और तो इसका जो कलर है वो मैं हैश, और उसका सेवन देन बी एफ ये तो देखो ये कलर आ गया इसका ठीक है तो ये बन के रेडी हुए ये यह यहाँ पे ये यह देखो ये बन के वैसे रेडी हो गया ना अभी नीचे कार्ड वगैरह बचे <coughs> कार्ड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ नहीं करेंगे बना लेंगे सबसे पहले तो बाद में यूज़ कर लेंगे ठीक है यह बी के बाहर यहाँ से हमारा जो राइट कंटेंट है उसके अंदर एक डेप बना लेंगे अपनी अपने राइट कंटेंट है ना हम इसको बनाएंगे अपनी जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर बनाएंगे अपने राइट कंटेंट के अंदर नहीं बनाएंगे ये यह यहाँ से हमारे यह डॉट कार्ड उसके अंदर हमारा जो एक होगा कार्ड वन नहीं पहले एक सिर्फ एक कार्ड बनाएंगे सिंपल और इसके अंदर एक और क्लास दे देंगे हम अपने कार्ड वन के नाम से और इसके अंदर हमें एक इमेज डालेंगे अपनी इमेज वो जो उसके अंदर थी इमेज आई इमेज क्यों नाम है डॉट फर्स्ट इमेज डॉट जे पी और उसके बाद इसका एक होगा डॉट कार्ड आइकन्स ठीक यहाँ पे आइकन्स और इसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे होंगे ये नीचे ये हमारे तीन आइकन्स यहाँ से आए हमारे आइकन आ गए ये ठीक अभी ये। अभी इमेज बहुत बढ़िया उसकी वजह से ना वो थोड़ा बिखर गया है ठीक है यहाँ से ये इस कार्ड को कॉपी किया सही ये पे ना आ यहाँ पे डाला कि यहाँ पे कार्ड टू आया पूरे तो यहाँ पे इमेज आई सेकेंड डॉट जे पी जी और यहाँ से आगे हमारे जो थे आइकन्स उनको इन थ्री आइकन्स से करेंगे रिप्लेस यहाँ पे कर दिया कॉपी इनको कर दिया अलाइन ठीक है तो ये आगे अभी अपने सी एस एस में चलेंगे तो वहाँ पे जो हमारा जो है इनको कंट्रोल करेंगे ना ए बीज वगैरह को सारी हो, तो ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि ये पता नहीं क्या हुआ है तो इसका जो पोजीशन है उसको आप सल्यूट करेंगे ठीक है तो ये मूव करेगा अपने लेफ्ट साइड के हिसाब से बॉटम फाइव परसेंट उसके बाद राइट right, माइनस टेन परसेंट डिस्प्ले फ्लैक्स दोनों इमेज को साइड बाई साइड करने के लिए और उसके बाद गैप वाइनस का फिफ्टी पिक्सल ये हमारे कार्ड्स का टोटल जो बन गया एरिया उसका डॉट कार्ड्स के अंदर हमारे पास डॉट कार्ड उसकी आई एम जी हाइट 100 पिक्सल विथ 100 पिक्सल बॉक्स शेडो बॉक्स बॉक्स साइजिंग नहीं है शेडो है जीरो जीरो टेन पिक्सअप ये देखो ये आ गया हमारी थी जो टोटल इमेजेस इसकी जो विथ है वो कम है वो मैंने हंड्रेड का इसको मैं वन uh, नाइन्टी कर दूंगा दो सौ कर दूंगा सुबह तो ये देखो ये आ गई इमेजेस ये देख ठीक है Five. ये इमेज है उसके तो बॉक्स आया शेडो भी डाल दिए तो उसके बाद जो है हमारा कार्ड वन नाइन टू है हमारे जो कार्ड वन एन टू ये वाला हमने डाला था यहाँ पे कार्ड वन ठीक है ये है उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो है हमारे पास हमारा कार्ड टू उसको यहाँ से उठाऊँगा और जस्ट यहाँ पे सिंपल कलर पेस्ट करूँगा उसकी जो पोजीशन है उसको रिलेटिव कर दूँगा इन दोनों की पोजीशन रिलेटिव इसलिए की है क्योंकि अगर मैं आपको मेरे पे यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो है ना हमारे आइकन्स हैं इनको इसके अंदर लाने के लिए इन आइकन्स की जो पोजीशन है जब मैं इसको कर करूँगा तो वो उसके हिसाब से ही वो करेंगे ठीक हमारा जो कार्ड वन कार्ड वन है ठीक है उसके अंदर जो है हमारे कार्ड आइकनस हैं यानी ये वाले दोनों के अंदर ही हैं तो ये होगा हमारा हार्ड पिकन टू पोजिशन एक्सिल्यूट लेफ्ट फिफ्टी परसेंट टॉप फिफ्टी परसेंट ट्रांसफॉर्म ट्रांसफल ट्रांसलेट माइनस फिफ्टी परसेंट देन माइनस फिफ्टी परसेंट सी ये यह यहाँ पे आगे सेंटर में अभी उनका जो है आइकनस वगैरह है ना ये यहीं से उठाऊंगा कार्ड आइकन वन के अंदर के जो हमारे आइकन्स के अंदर जो आई है यानी हमारे जो आई आइकन टैग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा हमारे पास दिस पॉइंट साइज होगा हमारे पास फोर्टी एट पिक्सल और उसका इसका बॉर्डर रेडियस होगा हमारे पास एंड डिस कलर होगा वो होगा हमारे पास हैश हमारे पास मेरे पास कलर है वो होगा सिक्स ए फोर फाइव दैन एफ टू ये कलर है तो ये देखो ये आ गया अभी बचे हैं जो नीचे वाला हमारा कार्ड टू का है वो बचा है उसके बाद डॉट कार्ड टू के अंदर मेरे पास कार्ड आइकन्स है वो आएंगे और इनकी जो पोजीशन है वो अच्छी होगी और इसका जो लेफ्ट है वो थर्टी परसेंट होगा इसका जो टॉप है वो ऊपर से टॉप से फिफ्टी परसेंट यानी कार्ड के सेंटर में आएगा और इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसलेट होगा माइनस का फिफ्टी परसेंट यानी बिल्कुल सेंटर में ठीक है माइनस फिफ्टी परसेंट फिर माइनस का फिफ्टी परसेंट सी, ये देखो ये आगे यहाँ पे अभी इनका जो आय है उसको उठाऊंगा मैं यहाँ से ये यह यहाँ से यहाँ तक और इसका आय आय और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये वाला रहेगा इसका फॉन्ट साइज वही 28 पिक्सल ऊपर वाले के हिसाब से पर तो इसका बॉर्डर रेडियस वही 50 परसेंट 50 परसेंट देन इसका जो कलर है वो ये वाला रहेगा ये देखो ये इसके और इसके हिसाब से ये देखो ये बन के हो गया बस इसके अंदर जो है मैंने जो टेक्स था वो ज़्यादा डाला है और उसके बाद अलावा कोई फ़र्क नहीं है देख लूँ इसको मैं अभी ऑफ़ कर रहा हूँ तो ये देखो ये हमारा बन के रेडियो हो गया यहाँ पे इमेज वगैरह जो आइकन वगैरह सारे आ गए तो ये था जो हमारा आज का ट्यूटोरियल था जो यहाँ पर ख़त्म हुआ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।